हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में हमने आप यहाँ तक हमने एक्चुअली हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में जान लिया था। ग्रुप 15 बोलो या फिर ग्रुप फिफ्थ बोलो, ठीक है, फिफ्थ ए, ग्रुप फिफ्थ ए बोलो या फिर ग्रुप 15 बोलो, तो यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं। जनरली मैं आपको ग्रुप 15 ये लिख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको ध्यान रहे। ग्रुप 15 बोलो या फिर आप क्या बोलो बच्चों, यहाँ पर ग्रुप फिफ्थ ए, दोनों कंडीशन आपकी करेक्ट है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मेंडलीव ने बोला ग्रुप फिफ्थ ए और ग्रुप 15 हम जनरली बोलते हैं, दैट इज जो आपका क्या है बेटा, रॉन्ग है एक तरीके से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बेटा ग्रुप फिफ्थ ए में, हाइड्राइड ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के हाइड्राइड के बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसे देखो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका क्या बनाता है, अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन आपका क्या बनाता है बच्चों, अमोनिया बनाता है, ठीक है। और आपका आपका फॉस्फोरस क्या बनाता है, फॉस्फीन, फॉस्फोरस आपका फॉस्फीन बनाता है। और यहाँ पर आर्सेनिक आपका आर्सिन बनाता है, और एटीन आपका स्टीबिन बनाता है, और आपका यहाँ पर बिस्मिथ आपका क्या बनाता है, बिस्मिथिन। ये आपका कुछ आपका यहाँ पर कंपाउंड है जो आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है, थीके? इस तरीके से कुछ कंपाउंड्स आपके फॉर्म होते हैं हाइड्राइड के साथ। अब इसी में हमको डिटेल जानना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इससे रिलेटेड ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से पक्का फंसता है बच्चों। तो उस चीज को आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ लो, बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ लो और उसको कमांड में कर लो, ठीक है। अब सबसे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने इसको प्रिपरेशन मेथड आप लोगों को बता दिया था, काफी इजीली था। अगर मेटल नाइट्राइड और मेटल फॉस्फाइड को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, मतलब H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो आपका क्या बन जाएगा, अमोनिया और फॉस्फीन, ये मैंने बताया था। आप देखो ध्यान से, अब देखो क्या करेंगे बच्चों, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं हम। स्ट्रक्चर देखो, जनरली सबका स्ट्रक्चर बेटा आप लोग निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों आपका पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल, आप उससे निकाल सकते हो किससे, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, चलो ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आज ना आप लोगों को DPP भेज दूंगा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, तो आप उसको कर लेना, ठीक है, उसके मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कर लेना। कौन सा फॉर्मूला बताया था बच्चों मैंने आप लोगों को, यहाँ पर स्टेरिक नंबर इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस प्लस मोनोएटॉमिक सैड एटम, फिर सी प्लस ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइब्रिडाइजेशन। सो यू हैव टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड, हम इन सारे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर वी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको DPP भेज दूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, ठीक है, काफी ईजी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं अब हम यहाँ पर कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, और आपका इसका क्या होता है बच्चों, इसका आपका होता है ऐसा, इसका आपका होता है ऐसा, और आर्सेनिक का क्या होगा बच्चों, ये आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा होगा। आपका यहाँ पर SB का SBH3 का कैसा होगा, ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पर BiH3 का कैसा होगा बच्चों, ये आपका BI, ये आपका लोन पेयर, ये आपका H, ये आपका H, ये आपका H, ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों ऐसा। अब इस बात को समझना है आप लोगों को कि इन सब में क्या चीजें हमको देखनी है। देखो सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, पिरामिडल, मतलब स्ट्रक्चर सबका क्या होगा बच्चों, पिरामिडल। इसका भी आपका क्या है बच्चों, पिरामिडल है, इसका भी आपका क्या है बच्चों, पिरामिडल है, ठीक है, इसका भी आपका पिरामिडल है, इसका भी आपका पिरामिडल है, ठीक है, इसका भी आपका पिरामिडल है, इसका भी आपका क्या है बच्चों, पिरामिडल है, इसका भी आपका क्या है बच्चों, पिरामिडल है, इसका भी आपका पिरामिडल है, इसका भी आपका पिरामिडल है, और इसका भी आपका क्या होगा, पिरामिडल। ये आपका इसका स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, ये आपका हो जाएगा शेप हो जाएगा। और ज्योमेट्री क्या होगी आप लोग जानते हो, ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, ज्योमेट्री सबकी हो जाएगी टेट्राहाइड्रल। ज्योमेट्री में हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, लोन पेयर और बोन पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी टेट्राहाइड्रल, इसकी भी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, इसकी भी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी, इसकी भी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, इसकी भी आपकी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, और इसकी भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी,
और इसकी भी आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। ये बात तो आप लोग जान रहे होंगे, ये बात आप लोग जान चुके होंगे, जान रहे होंगे कि किस तरीके से होगा ज्योमेट्री। देख लेते हैं यहाँ पर, ये बात आप लोग जान चुके होंगे ज्योमेट्री ये टेट्राहेड्रल होगा। अब बात ये है, पॉइंट समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये आपका, अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप देखो यहाँ से बताता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आपको इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर नोट में लिखाता हूँ आपको इम्पोर्टेंट नोट। अब बात को ध्यान से समझना, अब देखो यहाँ पर जो आपका समझना बात को, यहाँ पर हम दो तरीके से मैं आपको बताऊँगा, नोट डाल नोट में भी मैं आपको बताऊँगा। इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन नॉट डिफाइंड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, डिफाइंड नहीं है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइन होता है, बात ध्यान रखना है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बात क्लियर हुई बच्चों, तो ध्यान रखो कहां पर कौन सी चीज है। अब देखो इसका जो एंगल होता है 107 डिग्री एंगल होता है, इन सब का एंगल अप्रोक्सीमेट 90 के आसपास चलता है। अप्रोक्सीमेट क्या होता है सबका, 90 के आसपास। अब बात यह है कि यहां पर 90 के आसपास एंगल है, तो मैं आपको बता देता हूं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द एंगल ऑफ pH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3 एज वेल एज H2S, H2TE। इसके बारे में आपको नेक्स्ट टाइम में बताने वाला हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द एंगल ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, इसके एंगल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैंने तुमको पहले ही बताया था, पहले स्ट्रक्चर आया, पहले क्या आया बच्चों, स्ट्रक्चर आया या फिर आपका ज्योमेट्री आई, पहले स्ट्रक्चर आया या फिर आपका ज्योमेट्री आई, देन आफ्टर आपका हाइब्रिडाइजेशन आया। हाइब्रिडाइजेशन ने मैक्सिमम स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन ने आपके मैक्सिमम ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 को एक्सप्लेन कर दिया, pH3, ASH3, SbH3। So this theory will be explained by Drago rule। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी, Drago's rule, ठीक है। Drago rule से इस theory को मैंने explain किया, तो यहां तक आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे हम इससे कुछ रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। व्हाट इज ड्रेगो रूल, ड्रेगो रूल क्या होता है वो अब मैं आपको, आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। इससे एक यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रेगो रूल, ठीक है। ड्रेगो रूल आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन से। अब ड्रेगो रूल आपका क्या होता है बच्चों, उस पॉइंट को समझना है आपको। तो ड्रेगो रूल आपका होता है बच्चों कि ध्यान से समझना सॉल्यूशन, ड्रेगो रूल में क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, NH3 pH3 कहां लगता है वो मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है, अभी फिर से पढ़ा देता हूं, ठीक है। SbH3 BiH3 फिर मैं पढ़ाऊंगा ऑक्सीजन फैमिली में, तब तक आपको याद हो जाएगा, ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। देखो H2O, H2S, H2TE, H2SE, H2TE, H2PO, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों यहां पर, समझना,
कि ये वाले जो होते हैं इनके जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, जो कि आपके किससे एक्सप्लेन किए जाते हैं बच्चों, ड्रैगोस रूल से, जो कि आपके किससे एक्सप्लेन किए जाते हैं बच्चों, आपके ड्रैगोस रूल से। बात क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ये आपके ड्रैगोस रूल से बताए जाते हैं। अब देखो जनरली क्या होता है, जनरली हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट और ये वाले कंसेप्ट में क्या अंतर है, समझना। जनरली आपके दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, जनरली देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। जनरली दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। कुछ इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको दो टाइप के ऑर्बिटल को बताऊंगा। जनरली देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑर्बिटल इज हाइब्रिड ऑर्बिटल और सेकेंड वन इज एटोमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटोमिक ऑर्बिटल। अब बात समझना यहाँ पर कि अगर मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन तो आपके किसके हिसाब से होगा बच्चों, ज्योमेट्री के हिसाब से। हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन आपके किसके हिसाब से होता है बच्चों, ज्योमेट्री के हिसाब से। मतलब इस तरीके से आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल का आपका ओरिएंटेशन हुआ करता है। तो ये एक तो था आपका ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होता है और इनका भी बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, टेट्राहाइड्रल मतलब sp3 के लिए। लेकिन जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा होता है समझना। एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपके काम में आएंगे, देखो ये मैंने px py वाला काम में आएगा, xyz। अब देखो सब में हम देखेंगे कि sp3 आ रहा है, लेकिन यहां पर समझना, यहां पर आप लोगों को ध्यान से समझना है कि s ऑर्बिटल इसमें क्या होगा कि अगर p ऑर्बिटल ये वाला हुआ और एक p ये वाला हुआ, एक p ये वाला हुआ और बीच में मैंने s ऑर्बिटल बनाया, ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, और ये वाले कौन से ऑर्बिटल है बच्चों आपके, p ऑर्बिटल। आप मुझे एक चीज बताओ, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच, s ऑर्बिटल तो बीच में आ गया, अब यहां बताओ p ऑर्बिटल के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये वाला 90 डिग्री। अब इस बात को समझना है, इसी बात को आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर जो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ड्रेगोस ने क्या बताया समझना बात को। ड्रेगोस ने बोला कि इन pH 3 to BiH3 एंड H2PO, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपके ओवरलैप करेंगे ईच अदर, मतलब एक दो दूसरे से कौन से ऑर्बिटल आपके ओवरलैप करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल विल ओवरलैप टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपके ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से, ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करता तो 109 डिग्री का एंगल बनता, इस यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो देखो ना, पी एक्स और पी जेड के बीच कितने डिग्री का एंगल है, यू कैन आइडेंटिफाई दिस पॉइंट, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, एटॉमिक ऑर्बिटल विल ओवरलैप टू ईच अदर। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और क्या बनाते हैं, बॉन्ड एंगल विल बी सो बॉन्ड एंगल विल बिकम 90 डिग्री। तो आपका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल विल बिकम व्हाट, 90 डिग्री। बात क्लियर है? अब बात समझना यहां पर लोन पेयर विल प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। अब इस बात को ध्यान से समझो, यहाँ पर एस ऑर्बिटल में ही आपका लोन पेयर है, जो ये लोन पेयर है ये एस ऑर्बिटल क्या कैरी कर रहा है बच्चों, लोन पेयर।
एस ऑर्बिटल क्या कैरी कर रहा है, लोन पेयर। एस ऑर्बिटल क्या कैरी कर रहा है बच्चों, आपका लोन पेयर। तो ध्यान से समझना, जो आपके पी एस थ्री है, ए एस एस थ्री है, एस बी एस थ्री, बी आई एस थ्री है, यहाँ पर जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर कौन कैरी करेगा बच्चों, सबसे पहले बताओ, लोन पेयर यहाँ पर एस ऑर्बिटल कैरी करेगा। लोन पेयर आपका कौन कैरी करेगा, एस ऑर्बिटल कैरी करेगा, इस बात को ध्यान से समझो। तो यहाँ पर ड्रैगोज रूल है, तो ड्रैगोज रूल के हिसाब से क्या होगा कि यहाँ पर इन सब में एटॉमिक और ऑर्बिटल का आपका ओवरलैप हुआ, ठीक है। अब देखो, जब इन सब में आपका एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ तो क्या हुआ, क्या इसमें हाइब्रिड और ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ, नहीं हुआ। तो इन सब के लिए हम क्या, इन सब के लिए हम कौन सा, हम हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं करेंगे। इन सब के लिए हम क्या डिफाइन नहीं करेंगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन नॉट डिफाइंड। इन सब के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होगा, इस बात को आप लोग अच्छे से कंसिडर कर लो, आज के बाद आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इन सब के लिए हमारा क्या कंसिडर नहीं होगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर नहीं होगा। तो फिर से एक बार समझते हैं, तो ड्रैगोज रूल ने क्या बताया, इन सबका एंगल 90 डिग्री है। पहले ज्योमेट्री आई, स्ट्रक्चर आया, इन सबका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब इन सबका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा तो कितने डिग्री का एंगल आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अरे भाई, लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आने से कितना कम होता है, 2.5 डिग्री एंगल कम होता है। अगर इसमें मैं 2.5 डिग्री एंगल भी कम कर लूं तो 107 डिग्री तो आएगा, 107 डिग्री तो आएगा, 90 तो आने से रहा, 90 तो आपका नहीं आएगा। अब 90 लाने के लिए क्या तुक बिठाया मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप करा दिया। अब एटॉमिक ऑर्बिटल तो आपस में 90 डिग्री पे सिचुएटेड होते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में 90 डिग्री पे सिचुएटेड हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो आपका हो गया ना कि यहाँ पर बॉन्ड के बीच एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और मुझे 90 डिग्री को ही एक्सप्लेन करना था, कर दिया एक्सप्लेन। अब 90 डिग्री को एक्सप्लेन कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पर If अगर किसी कंपाउंड में आपका एटॉमिक ऑर्बिटल का ही ओवरलैप होता है, इफ अगर किसी कंपाउंड में अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल का ही ओवरलैप होगा तो इसका मतलब वो आपके किसके अंदर आ जाएगा, ड्रैगोज रूल के अंदर। समझ में आया, दिस इज क्वाइट इजी कंसेप्ट। और ड्रैगोज रूल कहाँ कहाँ लगते हैं वो मैंने आपको बता दिए, अब कोई भी पूछे तो अच्छे से एक्सप्लेन करने का, इन सब में किसका ओवरलैप होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का। इन सब में किसका ओवरलैप होगा बोलो बच्चा, एटॉमिक ऑर्बिटल का, इस चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है। और एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल विल बिकम 90 डिग्री। और जो यहाँ पर जो एस ऑर्बिटल होगा तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एस ऑर्बिटल में। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चों, बोल, एस ऑर्बिटल में। क्लियर हुआ, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ड्रैगोज रूल। हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने केमिकल बॉन्डिंग में चर्चा किया है इसके बारे में काफी डिटेल में, तो आप लोग अभी थोड़ा इसको याद रखिए, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग इसको देखिए कि कहाँ बताया गया है, ठीक है। क्या केमिकल बॉन्डिंग में मैंने इसको काफी डिटेल में बताया गया, अभी भी मैंने इसको शॉर्ट रिव्यू में थियोरी में आपको बता दिया है, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं बच्चों, यहाँ पर जो हमारा हमने बनाया इन सब में जो ये जो एलिमेंट है, ये जो आपका एलिमेंट है NH3 PH3, इन सब में कुछ कुछ चीजों को जान लेते हैं, ठीक है ना। इन सब में कुछ कुछ चीजों को जान लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखो, पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इन सब में चीजों को जानेंगे। NH3, अब बहुत प्यार से ही समझ लेंगे हम लोग PH3। एक तो ड्रैगो रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक किसी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। SH3 और यहां पर क्या आ जाएगा, SBS3, ठीक है, SBS3 और यहां पर आ जाएगा BIH3। तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, काफी इजी है, ठीक है। आप देखो, यहां पर अगर मुझे बॉन्ड एंगल निकालना होगा तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है बच्चे मुझे, किसका ऑर्डर बताना है बच्चे मुझे, बॉन्ड एंगल का। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कैसे बताता हूँ, थोड़ा सोचो। मैं आपको सिंपल ट्रिक भी दूंगा, ट्रिक देने से अच्छा है कि देखो, यहाँ पर इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बॉन्ड पेयर वो यहाँ आ जाएंगे आसपास और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। अगर कोई एटम यहाँ होगा तो ज्यादा क्लोज होगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो ज्यादा क्लोज होगा कि यहाँ होगा ज्यादा क्लोज होगा, बोलो
यहाँ होगा एकदम, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या बढ़ेगा बच्चों, रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा, रिपल्शन बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंगल इसका बढ़ जाएगा, तो NH3 का बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। उसके बाद आप देखो ये वाला ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना, ज्यादा डिफरेंस अगर नहीं है तो क्या होगा बच्चों जल्दी बोलो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो यहाँ पर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, लेकिन उतना ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा जितना एन के पास जाएगा, जितना एन इसको खींच पाएगा उतना ज्यादा क्या फॉस्फोरस खींच पाएगा। नहीं समझ में आया तुम लोगों को, आप देखो समझो, ई और एच, एक और बनाया ई और एच, ये E1 E2, आप देखो E2 आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है E1 से, मैंने बोल दिया E2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू E1, देन क्या होगा बच्चों, जो इसका बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ज्यादा रहेगा और यहाँ आसपास यहाँ रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सो दैट्स व्हाई इट अट्रैक्ट द मोर इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मोर इजिली अट्रैक्ट करेगा, मतलब ज्यादा अपने पास बुला लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने पास ज्यादा बुलाएगा। अब यहाँ 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 हो गया, अब ये पास पास आ गए ना, तो बॉन्ड एंगल कैसे हो जाएगा, वाइडली बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल कैसे हो जाएगा बच्चों आपका, वाइडली बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर तो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास पास नहीं हुए तो बॉन्ड एंगल उतना नहीं बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंगल किसका सबसे ज्यादा होता है, NH3 का, उसके बाद किसका होता है बच्चों, PH3 का, उसके बाद किसका होता है, ASH3 का, उसके बाद किसका होता है बच्चों, SbH3 का, उसके बाद किसका होता है बच्चों, आप लोग बोल सकते हो BiH3 का। क्लियर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट से भी हम पता लगा सकते हैं, हम किसके मूवमेंट से पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यहाँ पर कुछ यहाँ होगा, यहाँ पर आपका यहाँ होगा कुछ, थोड़ा दूर दूर होगा, यहाँ पर कुछ यहाँ होगा, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ यही यही होगा, तो मतलब डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल आपका बढ़ेगा। देखो ना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया और यहाँ डिस्टेंस कितना है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अब जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल जो आप लोगों को नोट डाल के याद रख लेना है, याद रख लो तो बहुत बढ़िया बात है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका बॉन्ड एंगल होगा। देख लो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बच्चों, नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मिथ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन की ज्यादा है, तो एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी आपका बढ़ेगा, तो सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा बढ़ेगा, और ये होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जल्दी बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को डील करना होता है, लेकिन ये वाला रूल कब फॉलो होता है, ये वाला रूल जब फॉलो होगा जब सबका शेप क्या होगा, शेप्स आर सिमिलर। तो इस बात को ध्यान से समझना, जब आपका शेप अगर आपका सिमिलर होगा तब हम इसको लगाएंगे, अगर शेप सिमिलर नहीं हुआ तो इसको नहीं लगाएंगे। कंसेप्ट क्लियर। अब शेप सिमिलर हुआ या नहीं हुआ तो इसको निकालने का एक मैं तरीका बता देता हूँ, यहीं पर साइड में लिख लेना कि एक्चुअली बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं। बॉन्ड एंगल निकालने का एक मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप देखो SP का लीनियर होता है, मतलब 180 डिग्री, SP2 का आपका कितना होता है 120 डिग्री, SP3 का आपका कितना होता है आपका 109 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले पहचानो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस याद रख लो, आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन। आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड प्रोसेस पे चलो कि अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई हो गए तो यहां पर समझना बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, लोन पेयर। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका बॉन्ड एंगल कम होगा, तो यहां पर लोन पेयर एटम
लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे जितना ज्यादा आपका लोन पेयर बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका बोर्ड एंगल कम होगा। अब लोन पेयर भी आपके सिमिलर है, इफ अगर लोन पेयर भी आपके सिमिलर है तब क्या होगा, अगर ये आपका फेल होता है, सारे sp3 आ गए तब तो फेल हो गया ना, अगर ये आपका फेल होता है तो ये लगाओ, ये अगर आपका फेल होता है तब क्या लगाना बच्चों आपको, अब मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रखो बोर्ड एंगल इज, इसको कोई साइड में लिख लो काफी काम आएगा रिवीजन के टाइम में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ये चीजें आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ फंडामेंटल बेसिक तरीका है बॉन्ड एंगल निकालने का। अब आप लोग ध्यान रखो, अब आप लोगों को बार बार रिपीट हो चुका है बेटा, रिपीटेशन काफी मैंने ले लिया है इस चीज से, इन सब चीजों से, तो आप लोग इसको ध्यान रखो, ये बॉन्ड एंगल निकालने का रिपीटेशन है, कहीं आप लिख लो और कहीं आप अच्छे से याद कर लो शॉर्ट नोट्स बना के, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं, बॉन्ड एंगल तो निकाल लिया, अब बॉन्ड एंगल के बाद मैं निकालता हूँ बच्चों यहाँ पर इसका बेसिक स्ट्रेंथ, क्या निकालते हैं हम लोग इसका बच्चा, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, बेसिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा बच्चों, आप समझना, ये अपना लोन पेयर ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ मैंने आप लोगों को पहले भी लिखा है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि देखो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो वो बेसिक होगा, और अवेलेबिलिटी होने के साथ साथ क्या होना जरूरी है, इसके साथ साथ डोनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होना भी जरूरी है। ये कहीं मैंने ऑर्गेनिक कंसेप्ट में लिखाया था, मैंने आप लोगों को कहाँ लिखाया था बच्चों, ये आपको ऑर्गेनिक में मैंने बोला था, बहुत जगह मैं एक ही लाइन का यूज करता हूँ तो आप इस चीज को ध्यान रखो, ऑर्गेनिक में मैंने इसको लिखवाया था आप लोगों को, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर एक लोन पेयर है, यहां पर भी एक लोन पेयर है और यहां पर भी एक लोन पेयर है। अब बात समझो कि यहाँ पर लोन पेयर कहाँ प्रेजेंस है, यहाँ पर लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंस है, मैंने बताया था अभी ड्रेगो रूल के हिसाब से यहाँ पर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका पॉसिबल है sp3 में, लेकिन यहाँ पर किस पर प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल पर, कहाँ प्रेजेंस है s ऑर्बिटल में, ठीक है s ऑर्बिटल में, और इसमें कहां प्रेजेंस है s ऑर्बिटल में, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां पर 92% लोन पेयर आपका s ऑर्बिटल में है, यहां पर 94% इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिटल में, यहां पर 96% आपका लोन पेयर s ऑर्बिटल में है, और यहां पर एप्रोक्सीमेट 98% इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिटल में है। अब आप लोग समझ सकते हो कि s ऑर्बिटल आपके न्यूक्लियाई की ज्यादा क्लोज होगा, s ऑर्बिटल जब आपके न्यूक्लियाई की ज्यादा क्लोज होगा मतलब साइज छोटा होता है ना, छोटा साइज का मतलब क्या है, s ऑर्बिटल आपके न्यूक्लियाई की ज्यादा क्लोज होगा, जब आपका s ऑर्बिटल न्यूक्लियाई की ज्यादा क्लोज होगा तो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियाई के साथ ज्यादा अट्रैक्शन पावर में रहेगा। थोड़ा सोच के देखो, s ऑर्बिटल का साइज क्या है, छोटा, s ऑर्बिटल का साइज क्या है, छोटा, छोटा है, इसका मतलब उसका जो न्यूक्लियाई है वो s ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा, हाँ या ना, हाँ समझ में आया ना, s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उसके न्यूक्लियाई को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा, जब ये ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा तो क्या यहाँ पर डोनेशन इजिली होगा, नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, क्या यहाँ पर डोनेशन इजिली होगा, नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान से समझो कि यहाँ पर इजी डोनेशन नहीं होता है, यही था इसीलिए मैंने आपको ड्रेगोज रूल पढ़ाया था, इसीलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों, ड्रेगोज रूल। तो ध्यान रख लेना इस बात का
कि सबसे ज्यादा लोन पेयर का डोनेशन कौन करेगा, NH3। इसीलिए लुईस बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जल्दी बोलो, लुईस बेसिक कैरेक्टर जल्दी बता दो जी, जल्दी से बेसिक कैरेक्टर आपका किसका ज्यादा होगा, NH3 का। उसके बाद किसका होगा बेटे बच्चों आपका, PH3 का। उसके बाद किसका होगा, ASH3 का। उसके बाद किसका होगा बच्चों आपका, SBH3 का। उसके बाद किसका होगा, BIH3 का। बात समझ में आया? तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, NH3, और सबसे लेस बेसिक कौन होगा आपका, BIH3। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा बॉन्ड एंगल और बेसिक स्ट्रेंथ। अब एक और टर्म है बच्चों, यहां पर एक और टर्म है बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड, बात समझना, EH बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं बच्चों। कौन से वाले बॉन्ड की, ये वाले की, मैं आपको स्ट्रक्चर में बता देता हूं, मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं। ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है, PS बॉन्ड ज्यादा, PNH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है कि PH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है कि ASH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है कि BIH। तो यहां पर समझेंगे कि ये भी छोटा एटम, ये भी छोटा एटम, छोटे छोटे एटम के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। स्मॉलर एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यही यहां पर लिख सकते हैं, स्मॉलर एटम्स फॉर्म हाईली स्ट्रांग बॉन्ड, ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो मैंने यहां पर भी आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखा है कोवलेंट बॉन्डिंग में। देखो ये कोवलेंट बॉन्डिंग में मैंने एक फॉर्मूला लिखा है बेटा, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखा है, R of A एटम प्लस आर ऑफ बी एटम माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब देखो जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा ये माइनस वैल्यू बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। और आप लोग जानते हो कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी जानते हो। तो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ज्यादा। बात समझ में आ गई, इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। तो बताओ EH बॉन्ड किस में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, NH3 में, उसके बाद PH3 में, उसके बाद ASH3 में, उसके बाद SBH3 में, उसके बाद BIH3 में। तो समझ में आ गया। देन आफ्टर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बच्चों हमारा, समझ लेते हैं नेक्स्ट कसम। ये तो बॉन्ड एंगल आपको समझ में आ गया, बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, जो अभी लिखा रहा हूँ उसको रिपीट करते जाओ, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आधा से ज्यादा मैं यहीं पर पढ़ा दूंगा आप लोगों को। यहां तक हो गया, अब इसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद क्या करेंगे बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद देखते हैं बच्चों यहां पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब कौन कितना जल्दी रिड्यूस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को टर्म याद होना चाहिए, व्हाट इज अ रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ H, H का रिमूवल आपका क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ease of removal of H। मतलब जितना इजीली आपका H रिमूव होगा उतना अच्छा आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। तो यहां से ये वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग है कि ये वाली, तो आप देखोगे सबसे लेस BH बॉन्ड की एनर्जी क्या है, सबसे लेस है। तो इस बॉन्ड को मैं इजीली तोड़ सकता हूं। क्या इस बॉन्ड को मैं इजीली तोड़ूंगा, नहीं। तो यहां पर क्या होगा बच्चों,
वी कैन रिमूव बी आई एच, मैं लिख देता हूँ बी आई एच बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है बच्चों, एन एच वाले बॉन्ड की, उसके बाद किसकी है बच्चों यहाँ पर पी एच, यहाँ पर ऐसे ना लिख के एन एच, एन एच बॉन्ड इन एन एच थ्री, उसके बाद पी एच बॉन्ड, पी एच बॉन्ड इन पी एच थ्री, उसके बाद ए एस एच बॉन्ड इन ए एस एच थ्री, उसके बाद एस बी एच बॉन्ड इन एस बी एच थ्री, उसके बाद बी आई एच बॉन्ड इन बी आई एच थ्री। बात समझ में आई? अब बताओ कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है एनएच बॉन्ड का, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा बच्चों वहाँ से, अब मुझे यहाँ से इस यहाँ से एच निकालने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी या यहाँ से एच निकालने में, तो अब देखोगे आप यहाँ पर इजीली एच रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर इजीली एच का रिमूवल हो सकता है, यहाँ पर इजीली आपका क्या हो सकता है बच्चों एच का रिमूवल, क्या यहाँ पर इजीली एच का रिमूवल हो सकता है? नहीं। ठीक है, वी हैव रिक्वायर्ड, वी हैव रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी to remove H, to remove H in NH3, मतलब NH3 में से H को remove करने के लिए मुझे high requirement की energy की जरूरत पड़ेगी। तो reducing character is directly proportional to the वो ease of removal of H, तो इसका मतलब reducing character, मतलब कौन आपका easily H देगा बच्चों, कौन आपका easily H देगा, थोड़ा सोचो। तो आप लोगों को पता पड़ गया होगा BiH3, तो reducing character किसका ज़्यादा होगा बच्चों, बी आई एच थ्री का आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा एस बी एच थ्री का होगा, उसके बाद किसका होगा बच्चों आपका ए एस एच थ्री का होगा, उसके बाद किसका होगा बच्चों पी एच थ्री का होगा, और उसके बाद आपका हो जाएगा बच्चों एन एच थ्री का। तो यहाँ तक आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को डील किए, किस तरीके से मैंने यहाँ पर कंसेप्ट को बड़े प्यार से डील किया है। काफ़ी ईजी और काफ़ी सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल, सिंपली सिंप्लीफाई तरीका मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरीके को आप लोग एक दो बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके को आप लोग एक दो बार रिपीट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो ध्यान रहना यहाँ पर अगला पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी, बार बार इसी पॉइंट्स की बात करेंगे हर जगह, तो इसीलिए अभी कंसेप्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी आप देखो यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी हम फजान रूल से देखते हैं, आयोनिक कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी हम फजान रूल से देखते हैं। तो देख लेते हैं, इन आयोनिक कंपाउंड थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई बाय फजान रूल, फजान रूल, बट हियर ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड, सारे के सारे आपके कौन से बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड है, सारे के सारे आपके कौन से कोवेलेंट कंपाउंड है, सो वी कैन नॉट यूज द फजान रूल, सो वी कैन नॉट यूज व्हाट फजान रूल, इसीलिए हम यहाँ पर क्या नहीं यूज कर सकते बच्चों, फजान रूल का हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पर किसका यूज नहीं कर सकते बच्चों, फजान रूल का यूज नहीं कर सकते। समझ में आया आप लोगों को, कंसेप्ट क्लियरिफाई हुआ, ये हुआ थर्मल स्टेबिलिटी वाला पॉइंट, समझ में आया। अब मुझे एक चीज बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, आप भी देखो जिसमें बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी थोड़ा खुद सोचो कि कौन आपका टेम्परेचर पे ज़्यादा सस्टेन करेगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी,
जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अब आप बताओ बॉन्ड एनर्जी किसमें ज्यादा है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी आपका किसमें ज्यादा है बच्चों, आप लोग बताओ अब इजिली, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी आपका किसमें ज्यादा होगा बच्चों, NH3 वाले में आपका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा ना, तो NH3 बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी लिख लो ताकि बॉन्ड आपका छोटा होता है। अब बोलते जाओ बॉन्ड एनर्जी आपका NH3 का ज्यादा होगा, मतलब NH बॉन्ड इन NH3 ज्यादा होगा, फिर PS3 में ज्यादा होगा, फिर किसमें ASS3 में होगा, फिर आपका SBH3 में होगा, फिर आपका BiH3 में होगा। तो बॉन्ड एनर्जी किसमें ज्यादा है बच्चों, इसमें बॉन्ड एनर्जी आपका हाई है, इसमें बॉन्ड एनर्जी आपका हाई है, सो दैट्स व्हाई थर्मल स्टेबिलिटी भी इसका हाई होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों? कैसे निकाला एक और बार आप वीडियो को पॉज करके पीछे से एक और बार तरीका समझो, जो फ्लो में मैंने बताया उसी फ्लो में समझते जाओ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का पॉइंट। अब हम समझते बच्चों इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, उसका आप स्ट्रक्चर से कोई रिलेशन नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ काफी अच्छे से। आप देख लेते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बात समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है इन NH3, समझना सबसे पहले इन NH3 आपका क्या होता है, यहाँ पर NH3 आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी रखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी विद वाटर मतलब आपके हाइड्रोजन बॉन्ड टेंडेंसी विद वाटर मतलब पानी के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा, उसका पूरा डिटेल कंसेप्ट मैंने बता रखा है, प्लीज आज जाके आप लोग रिवाइज करिए, ठीक है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, सो दैट्स व्हाई इसका यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पर आपका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान से समझो कि NH3 का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में और हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 we will consider force of attraction like वंडरवॉल force of attraction देख लेते हैं हम लोग, वंडरवॉल force of attraction देखते हैं, वंडरवॉल force of attraction देखते हैं। इसमें हम बाकियों में क्या देखते हैं बच्चों, वंडरवॉल force of attraction देखते हैं। अब समझना बच्चों हाइड्राइड ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 के दूसरे एलिमेंट के हाइड्राइड में हम वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। अब वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उसी का आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी आपका ज्यादा होगा। तो ये तो जनरल कंडीशन है, दीज आर व्हाट जनरल कंडीशन, ये आपका जनरल कंडीशन है, लेकिन एक्सेप्शनली भी कुछ होता होगा तो देख लेते हैं आप यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे NH3 है PH3 है और आपका ASH3 है, SBH3 है और BiH3 है, बात क्लियर है? ASH3 में क्या होगा बच्चों आपका, ASH3 में आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ASH3 में आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और यहां से यहां तक आपका क्या देखेंगे बच्चों, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां से यहां तक हम क्या देखेंगे,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का देख लेते हैं ऑर्डर हम लोग। सबसे पहले हम लोग किसका देख लेते हैं ऑर्डर बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, देन आफ्टर हम देख लेते हैं यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर, दो मिनट, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का या बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का देख लेते हैं सबसे पहले, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का देख लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका किसका ज़्यादा होता है बच्चों, यहाँ पर समझना। यहाँ पर देखो मेल्टिंग पॉइंट बता देता हूँ, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है बच्चों, थोड़ा इसको चेक कर लेना बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपका होगा सबसे ज़्यादा आपका NH3 का। सबसे ज़्यादा आपका मेल्ट कौन होगा बच्चों? NH3। NH3 के बाद कौन होगा बच्चों? आपका SbH3। SbH3 के बाद आपका क्या आएगा बच्चों? AsH3। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट है। उसके बाद आपका क्या आएगा? PH3। ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा आपका होगा BiH3। देखो यहाँ पर BiH3 और SbH3 आपका डोमिनेट कर जाता है NH3 से, आपका डोमिनेट कर जाएगा NH3 से। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, यहाँ पर ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर जनरली यहाँ पर तो ये ज़्यादा क्यों है बच्चों? क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चों? आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन यहाँ पर ये आर्सेनिक से ज़्यादा है, केवल और केवल, केवल और केवल किससे ज़्यादा है बच्चों? आर्सेनिक से। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा नहीं हो पाया। ये थोड़ा ध्यान रखो, दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, दिस इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है और मैं भी दूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, मैं भी दूंगा, इस बार ही दूंगा। तो ये तो आपको ऐसा याद होना चाहिए कि कभी जिंदगी में ना भूलो। मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया, इसका मतलब मैं भी दूंगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखो। अब मैं आप लोगों को और भी मतलब सर्टेन कंडीशंस आप लोग समझ सकते हो अभी इजिली, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बताओ यहाँ पर मैं अगर बात करूँ एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब देखो वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी बच्चों? सॉल्युबिलिटी NH3 आर सॉल्युबल, NH3 इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबल इन वाटर, NH3 इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जो जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वो आपका पानी में क्या होता है बच्चों? सॉल्युबल होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट में समझना। अदर हाइड्राइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, या फिर स्प्रिंगली भी बोल सकते हैं नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तभी तो हम लोग फॉस्फोरस को वाटर में रखते हैं। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी, काफ़ी सिंपल है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अदर हाइड्राइड ज़्यादा स्प्रिंगली सॉल्युबल, मतलब यहाँ पर देता हूँ स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये बात को ध्यान रखो, डिटेल कंसेप्ट। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज ही इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये तो थे हमारे क्या बच्चों? हाइड्रेट्स के बारे में डिटेल कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अब देखो हाइड्रेट तो हमारा हो चुका है खत्म, अब हमारा आएगा ऑक्साइड। अब ऑक्साइड तो बेटा समझना, ऑक्साइड को समझ लेना, मैं जो जो ऑक्साइड लिखा हूँ उसी को याद रख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15। देखो ग्रुप 15 के ऑक्साइड कौन कौन से होंगे? ग्रुप 15 के ऑक्साइड बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हद से ज्यादा। अब मैं बताता हूं, नाइट्रोजन आपका कौन कौन सा फॉर्म करता है? N2O, NO, N2O3। ठीक है, NO2, N2O5, ये आपका नाइट्रोजन। फॉस्फोरस का बहुत सारे होते हैं बच्चों, लेकिन जनरली वाला मैं बता रहा हूँ, P2O3, P2O4, P2O5। ये भी आपका जनरली में नहीं आता, आपके NCERT के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ।
ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नाइट्रोजन फॉस्फोर और सैनिक आपका क्या बनाता है बच्चों? H2O3 H2O5। Sb आपका क्या बनाता है? Sb2O3 Sb2O5। और यहाँ पर आपका कौन आता है? भिखारी, मतलब बी आई आपका कौन बनाएगा? Bi2O3 और Bi2O5। ठीक है, अब Bi2O5 तो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट पहली बात तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये सबसे लेस अमाउंट में बनेगा, वेरी लेस अमाउंट में, ये बात जान रखो, लेस अमाउंट में अवेलेबल है बच्चों। ये बात अब आपको समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पर कौन सा लगाया? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है बच्चों? जल्दी बोलो, समझो। डाउन टू द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इज हाईली स्टेबल। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इज हाईली स्टेबल। बात समझ में आ गया? अब चलो, अब हम इसके बारे में डिटेल कंसेप्ट की चर्चा करते हैं, डिटेल कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। अब पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो हमारा कंसेप्ट है, समझो। अब देखो, नाइट्रोजन्स आर फॉर्म हायर नंबर ऑफ ऑक्साइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड। आप समझना, नाइट्रोजन्स आर फॉर्म हायर नंबर ऑफ ऑक्साइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड। ठीक है, पी पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड भी आपके कई टाइप के होते हैं, पाई बॉन्ड भी आपके कई टाइप के होते हैं। अगर पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो पी पाई। अगर पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपका डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो क्या बोलेंगे? पी पाई। तो पी पाई बॉन्ड बनाने की वजह से आपका नाइट्रोजन आपका हायर नंबर ऑफ ऑक्साइड रखता है। बात क्लियर है? हायर नंबर ऑफ ऑक्साइड को आपको यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन आर फॉर्म हायर नंबर ऑफ ऑक्साइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड। मतलब पी पाई बॉन्ड आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो स्ट्रेंथ भी मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेंथ आपका देख लो, पी पाई बॉन्ड का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा? पी पाई डी पाई बॉन्ड का होगा, फिर किसका होगा? डी पाई बॉन्ड का। तो ये बात ध्यान रखो कि पी पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसलिए ये आपका हायर नंबर ऑफ ऑक्साइड बना रहता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो मतलब क्या करेगा? हायर नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि हमेशा रिएक्शन वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ओर मूवमेंट करता है, तो यहाँ पर पी पाई बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए वो हायर नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाएगा। बात क्लियर है? देन अब ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड शो हाईली कोवेलेंट करेक्टर। मतलब ये बात ध्यान रखो कि जैसे अगर मैंने P2O3 और P2O5 की बात की तो यहाँ पर P के ऊपर प्लस चार्ज है, P के ऊपर प्लस थ्री चार्ज है। अब मुझे एक चीज बताओ कि कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा होगा, समझना। अगर मैं फजान रूल लगाना चाहूँ, यहाँ पर ऑक्साइड है ना, तो यहाँ पर लगा सकते हैं फजान रूल। अब देखो, फजान रूल अगर मैं लगाना चाहूँ तो फजान रूल के हिसाब से पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। और अगर आपका पोलराइजेशन बढ़ता है तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। आपका क्या बढ़ता है बच्चों? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। आपका कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है बच्चों? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। अब देखो, साइज ऑफ कैटायन किस में ज्यादा है, P+3 में ज्यादा है कि P+4 में? मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में,
अगर अगर आपका कैटायन बढ़ेगा, हमेशा साइज एनायन का साइज सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद न्यूट्रल का होगा, उसके बाद किसका होता है बच्चों, कैटायन का। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। तो हमेशा साइज सबसे छोटा कैटायन का होता है। अब इन दोनों में से भी साइज कैसे निकालेंगे बच्चों, हम निकाल लेंगे इन दोनों में से साइज कैसे निकालेंगे, ई अपॉन पी रेशियो निकाल लो, इसका ई अपॉन पी रेशियो निकालो। वो फॉस्फोरस में होते हैं बच्चों हमारे 15 इलेक्ट्रॉन, 15 में से 3 निकाल लिया कितना हो गया प्रोटो, 15 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 15 में से मैंने कितने निकाल लिए 3, निकालो 3 इलेक्ट्रॉन, 15 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। जब मैंने 15 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 12/15 और यहां पर कितना आ जाएगा 5 निकाले तो 10/15। अब बताओ जिसका ई अपॉन पी रेशियो ज्यादा होता है उसका साइज भी ज्यादा होता है। अब बताओ कौन से कैटायन का साइज ज्यादा है। अब आपको पता पड़ गया कि साइज आपका पी प्लस 3 का ज्यादा है पी प्लस 5 से, तो साइज ज्यादा तो मतलब पोलराइजिबिलिटी कम, साइज ज्यादा तो मतलब पोलराइजेशन पावर कम, तो इसका मतलब कैटायन के साइज को छोटा होना है। तो छोटा कैटायन कौन सा है, ये वाला है, तो इसी में पोलराइजेशन आपकी ज्यादा होती है। तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो वही लाइन बोला ना। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर अगर आप फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा, 2x+5, ऑक्सीजन का क्या होता है -2=0, देन x=+5। तो यहाँ पर क्या हो गया इसका कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर हाईली कोवेलेंट कैरेक्टर, हायर ऑक्सीडेशन, आपको विश्वास नहीं हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 2x+3-2=0, देन x क्या हो जाएगा +3। अभी बताओ ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज्यादा है, +5 का या +3 का, +5 ज्यादा है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड शो हाईली कोवेलेंट कैरेक्टर। बात समझ में आ गई, इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं पॉइंट को। अब ध्यान देना, एज वी मूव टू द डाउन टू द ग्रुप, अगला पॉइंट, एज वी मूव टू द डाउन टू द ग्रुप, अगर मैं ग्रुप में नीचे जाऊंगा, तो क्या होता है बच्चों आपका, ग्रुप में नीचे जाऊंगा तो मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट विल इंक्रीज। कल ही लिखवाया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है तो बिस्मिथ आपका मेटालिक होता है, तो मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीज और मेटालिक कैरेक्टर ऑफ इंक्रीज। और ध्यान रखना हमेशा इंक्रीज करता है। और एक बात आप बोल सकते हो, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। और आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों आपके, एसिडिक इन नेचर। अब आप लोग बोल सकते हो इसको बड़े प्यार से कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। तो नीचे मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो मतलब बिस्मिथ का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, बिस्मिथ का ऑक्साइड आपका क्या होगा, आपका होगा बेसिक कैरेक्टर का। बिस्मिथ का ऑक्साइड आपका कैसे कैरेक्टर का होगा, बेसिक कैरेक्टर का। और सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर का किसका होगा, N2O5। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सेम वाले होने चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पर N2O3 P2O3 AH2O3, आप बताओ इन सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा। डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और ऊपर कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर। तो N2O3 आपका ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू N2O3 आपका ज्यादा एसिडिक होगा आपका किससे, एज कंपेयर टू, हाँ N2O3 आपका ज्यादा एसिडिक होगा। N2O3 आपका क्या होगा बच्चों, ज्यादा एसिडिक होगा। ये बात समझ में आ गई, डाउन टू द ग्रुप जाते तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर का ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते बच्चों, अब हम समझ लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं।
अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि अब देखो यहां पर एलिमेंट्स क्या थे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट थे। यहां पर एलिमेंट्स आपके क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे। अब मैं सिमिलर एलिमेंट के केस में बात कर लेता हूं। अगर मैं बोलूं यहां पर कि एसिडिक कैरेक्टर इन सिमिलर एटम में अगर मैं बात करूं यहां पर एसिडिक कैरेक्टर, तो आप बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो आपका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ये आपको पढ़ाया गया होगा, काफी इजी है। अब आप समझो, अगर मैंने बोला N2O3 NO2 N2O5, यहां पर N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5, यहां पर कितना है +4, यहां पर कितना है +3, तो विच इज मोर, ये वाला। समझ में आया, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस के लिए, तो बताओ P2O3 P2O5, बताओ विच वन इज मोर एसिडिक। ये +5 होगा, यहाँ पर +5 होगा, ये आपका +3 होगा, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। अगर मैंने बोला H2O3 और H2O5, ये +5 होगा और ये आपका +3 होगा, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये बात आप समझ सकते हो कि ये वाला टर्म ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर साल एवरी टाइम आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बेटा आप लोग रिलैक्स रहो, अभी मैं इससे रिलेटेड है ना ट्रिक भी लिखवाऊंगा, ट्रिक वाले लेक्चर एक में बनाऊंगा, जिससे आपको बहुत कुछ चीजों को रिवीजन फिर से मिल जाएगा। बीच में डालूंगा ट्रिक्स से रिलेटेड लेक्चर्स, उससे आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं बच्चों प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्साइड। यहां पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्साइड, तो हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, समझते हैं वो बड़े प्यार से काफी इजीली मैं आपको बताऊंगा ये चीज। देखो प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्साइड का बड़े ध्यान से समझना, गौर से थोड़ा सोचो। यहां पर फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनाने के लिए मुझे कौन कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की, तो मैं क्यों ना उसी का यूज करूं। थोड़ा सोचो, क्यों ना मैं उसी का यूज करूं। जनरली आपका फॉस्फोरस आपका P4 के फॉर्म में मिलेगा, ध्यान रखना, आगे डिटेल में इसको जानोगे आप लोग। ये एक्सेस अमाउंट में होगा तो आपका क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आपका P2O5, और जो कि आपका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि आपका कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर, क्या बोलेंगे, P4O10, दो से मल्टीप्लाई कर दो, डाइमर, समझ में आया, डाइमर का मतलब है दो से मल्टीप्लाई कर दो, डाइमर का मोलिकुलर मास डबल हो जाता है, डाइमर का मोलिकुलर मास क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, नहीं आया समझ में, डाइमर का मोलिकुलर मास डबल हो जाता है और मोलिक्यूल भी डबल हो जाते हैं। चलो अब देखते हैं अगला, P4 की रिएक्शन O2 क्या चाहिए मुझे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2, तो क्या बनेगा P2O3, यहां पर भी क्या बन जाएगा, ये आपका डाइमर, और इसको क्या बोलेंगे P4O6, अंडरस्टूड ये वाला पॉइंट। अब इसी तरीके से AS और SP O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो AS2O3 भी बना सकता है, या फिर मैं डायरेक्टली बोल देता हूं P4O6, AS4O6 या फिर SP4O6, ये डायमर में होंगे, या फिर और क्या बना सकता है बच्चों, अगर लिमिटेड होगा तो ये बनाएगा, लिमिटेड मतलब थोड़ा सा अमाउंट होगा तो छोटा वाला बनाएगा, अगर ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा वाला बनाएगा, नहीं आया समझ में, छोटा अमाउंट है तो छोटा वाला बनाएगा, ज्यादा अमाउंट है तो ज्यादा वाला बनाएगा, यहां पर क्या है, छोटा अमाउंट लिया तो ये वाला बन गया, अगर मैंने ज्यादा अमाउंट लिया तो क्या बन जाएगा बच्चों, ज्यादा अमाउंट लिया तो यहां पर आपका बन जाएगा ये,
कंसेप्ट क्लियर, इतना थोड़ा सा इजी है। अब देखो ओनली Bi2O3 आपका क्या होता है? प्योरली बेसिक इन नेचर। ऐसा क्यों? मैंने अभी बताया, डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटल ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक इन नेचर। तो यहां पर बेसिक हो, यह आपका क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है, और बेसिक ऑक्साइड होता है और साथ साथ इसमें आयोनिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है? आयोनिक नेचर का होता है, क्योंकि ये क्या होता है, आप बात समझो ना, ये मेटल है और मेटल और नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? हमेशा आयोनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? मैक्सिमम आयोनिक। और ध्यान रखना, और नॉन मेटल के बीच हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, ये कहीं साइड में लिख लो। नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये बात थोड़ा सा साइड में ध्यान से रख लो, ठीक है? अब देखो, यह आपका बेसिक इन नेचर होगा, तो Bi2O3 जब आपका HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, ये बेस, ये एसिड, तो क्या होगा, समझना, तो क्या होगा कि आपका H2O बाहर निकलेगा। अब आप पूछोगे, सर आपको कैसे पता चला? अब समझना, मुझे कैसे लॉजिक लगा, समझना। यहां पर मैं अगर M लिखता हूं, M की रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराता हूं, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, मेटल ओनली मेटल। या फिर मैं अगर मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ कराता हूं, तो यहां पर H2O निकलता है। आप समझना, अगर यहां पर आपके बेस में कोई अगर ऑक्सीजन हुआ, तो 100% आपका H2O निकलेगा। अब यहां से O निकला, बताओ क्या बना होगा? Bi के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों? देखो, Bi के ऊपर कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। अब +3 चार्ज है ना, तो +3 और NO3 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। जोड़ दो, तो यहां पर Bi NO3 थ्राइस, ये आपका बन जाएगा। समझ में आया? ये काफी इजी रिएक्शन थी जो मैंने आपको बताई, ज्यादा इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था इन सब में। दिस इज अ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15, दिस इज अ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15। नाउ अब हम मूव करते हैं, हम थोड़ा स्टैंडर्ड कैटेगरी पे, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15, और ये सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अब मैंने बोला क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसका मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15, समझना, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15। There are two type of halides of group 15. First one EX3 type, and second one is what? EX5 type. समझ में आ गया? First one is what? EX3 type. Second one is what? EX5 type. ठीक है? फर्स्ट वन इज EX3 टाइप, सेकेंड वन इज EX5 टाइप। अब बात को समझना, यहां पर जैसे आपका Na, यहां पर पहला EX3 टाइप को हम समझ लेते हैं, फर्स्ट EX3 टाइप। EX3 टाइप में पहला पॉइंट NF3, NCl3, NBr3, NI3।
विच इज हाईली स्टेबल, विच कंपाउंड इज हाईली स्टेबल, देखो ये आपका स्टेबल होता है, ये आपका स्टेबल होगा, ये आपका क्या होगा अनस्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या है बेटा, स्मॉल साइज, स्मॉल एटम, और यहां पर ये आपका अनस्टेबल होगा। ध्यान रखना ये तीनों आपके क्या होंगे अनस्टेबल, अनस्टेबल होंगे इसका मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, अनस्टेबल होंगे इसका मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। नाइट्रोजन आपका स्मॉल एटम है, फ्लोरीन भी आपका क्या है बच्चों स्मॉल एटम है, तो स्मॉल स्मॉल एटम के बीच बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड 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 आपका कैसा बनेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो रिएक्शन हमेशा कहां से कहां जाती है, वीक से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना, स्ट्रॉन्ग से वीक थोड़ी ना जाएगी, नहीं आ रहा है समझ में, ऊपर से गया। रिएक्शन हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ओर जाती है, स्ट्रॉन्ग से वीक थोड़ी ना ये जाती है। तो अगर ये रिएक्शन भी दिखाएगा तो स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, अग नहीं आया। फिर समझो, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्या करेगा, क्या ये रिएक्शन दिखाएगा? रिएक्शन दिखाने के लिए वीक से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, दिस इज अ नॉट फीजिबल, अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हमको समझना है। अब बात आई कि पॉइंट यहां पर क्या आई मेरे सामने, बहुत बड़ी पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, जेई एडवांस ने एक बार पूछा हुआ था, तो उस चीज को समझ लेते हैं। यहां पर NBr3 एंड Ni3 आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अब समझना, NBr3 एंड Ni3 आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोटल, अमोटल के फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है, अमोटल के फॉर्म में आपका क्या होता है प्रेजेंट होता है, मतलब Ni3 ऐसे फॉर्म में आपका प्रेजेंट होगा। कौन से फॉर्म में आपका प्रेजेंट होगा? अमोटल के फॉर्म में। ये आपका सिक्स कर लो, ठीक है। अब ये आपका अमोटल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये अकेला नहीं मिलेगा, अकेला सोचना भी गुनाह है, अकेला आपको नहीं मिलेगा, ये आपके अमोटल के फॉर्म में मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, अमोटल फॉर्म, या फिर मैं बोल देता हूँ अमोनियट फॉर्म, अमोनियट फॉर्म, ठीक है। और स्पेलिंग एक बार चेक कर सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक तो हो सकता है, ठीक है, आप लोग आराम से रिलैक्स होके स्पेलिंग मिस्टेक चेक करते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी नहीं है। अब देखो, अगर मैंने इसको टेम्परेचर दिया, इफ आई विल गिव द टेम्परेचर ऑफ दिस कंपाउंड देन व्हाट विल बी हैपन, देन नाउ N2 gas will be released and with N2 gas क्या हो जाएगा, HBr भी आपका बन जाएगा, HBr भी आपका रिलीज हो जाएगा, और साथ साथ यहां पर कौन सी गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, अमोनिया। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अगर मैं इसी में सेम टाइप से टेम्परेचर दिया तो अगेन आपका N2 gas रिलीज होगा, HI रिलीज होगा और आपका NH3 रिलीज होगा। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लूंगा क्वेश्चन सेगमेंट में, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, घबराने वाली इसमें कोई बात आप लोगों की नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया इससे रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट आपको समझना है, एक पॉइंट फर्स्ट तो मैंने बता दिया, सेकंड पॉइंट क्या होता है बच्चों, यहां पर PX3 ASX3, ठीक है, PX3 ASX3 और SBX3 आर कोवलेंट इन नेचर। ये बात ध्यान रखो, रिएक्शन बताऊंगा, आर कोवलेंट इन नेचर, रिएक्शन से तो आप डरो ना, रिएक्शन से तो डरना मना है, बड़े प्यार से देख लेंगे, कोई सा भी रिएक्शन सोल्व कर डालेंगे, ठीक है।
फिर इसमें ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका क्या हुआ बच्चों समझो, देखो थर्ड पॉइंट में आपका क्या बनेगा, बी आई एफ थ्री बनेगा, बी आई सी एल थ्री बनता होगा, आप लोगों के मन में आएगा बी आई बी आर थ्री बनेगा, बी आई आई थ्री बनेगा। लेकिन बी आई एफ थ्री ही एक ऐसा होगा, ये मेटल ये नॉन मेटल, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये आयोनिक इन कैरेक्टर होगा, ठीक है, ये आयोनिक इन कैरेक्टर होगा। इसमें कहीं ना कहीं आपके कोवलेंट कैरेक्टर भी होगा और साथ साथ आयोनिक कैरेक्टर भी होगा, अंडरस्टूड। इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं, इस पॉइंट को इजीली समझ सकते हैं। समझ में आया कंसेप्ट, काफी इजीली कंसेप्ट है। अब देखो EX5 टाइप, अब हम समझते हैं EX5 टाइप को। देखो EX5 टाइप, कल हम इससे रिलेटेड, सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा रिएक्शन पढ़ाने से पहले फर्स्ट आई विल गिव यू ट्रिक टू सॉल्व एनी रिएक्शन, ठीक है। पहले मैं ट्रिक दूंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शंस वाले सेगमेंट, ठीक है। अब देखो EX5, समझना EX5 टाइप, यहां पर सेकंड EX5 टाइप। अब EX5 टाइप में क्या होता है बच्चों समझते हैं, EX5 टाइप में आपका क्या होता है, नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ कैन नॉट फॉर्म EX5, ठीक है। पहला पॉइंट, नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ कैन नॉट फॉर्म EX5 टाइप हैलाइड, अंडरस्टूड। तो नाइट्रोजन और बिस्मिथ आपका EX5 टाइप का हैलाइड फॉर्म नहीं कर सकता, रीजन क्या है, इसको बोलेंगे एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और इसमें क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब समझना, डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होता है, मतलब Bi+3 और Bi+5, तो केवल और केवल यही बनेगा, ये नहीं होता, तो इसीलिए ये आपका Bi+X5 शो करेगा, इम्पॉसिबल। पॉइंट समझ में आ गया। नाउ अब देख लेते हैं यहां पर कि यहां पर ध्यान रखना, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई ने एक बार तरीके से पूछा था। देखो मैं तो सीधा सीधा लिखा रहा हूं, लेकिन जेई तरीके से पूछता है, वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। अब देखो ये आपका Bi+F5 बनाता है, लेकिन ये क्या होता है, प्योरली आयोनिक इन नेचर, ये अट्रैक्शन से बनता है, क्लियर हो गया पॉइंट, प्योरली आयोनिक इन नेचर, ये आपका अट्रैक्शन से बनेगा। अब देखो आपका क्या बनता है बच्चों, यहां पर PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनेगा, तो सेकंड पॉइंट, फॉस्फोरस PCl5 एग्जिस्ट करता है, PF5 भी एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ PCl5 एग्जिस्ट करता है आपका, और साथ में यहाँ पर आपका PF5 भी एग्जिस्ट करेगा, PCl5 भी बनता है, साथ साथ क्या बनता है, PBr5 भी बनता है, नाइट्रोजन और बिस्मिथ का बताया, PBr5 और Pi3 भी बनता है। सबका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बच्चों, सबका शेप और ज्योमेट्री क्या होता है, बेटा मैं एक्स को ले लेता हूँ, इसकी जगह मैं एक्स लाए, ये पूरा का पूरा क्या है, PX5 है, ये फॉस्फोरस है, ये हैलोजन है, PX5। अब देखो फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड, ये क्या होगा, पेंटा हैलाइड फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं पेंटा हैलाइड, और इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हैलाइड, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड, ये कैसे बनेगा, अब आप लोग समझ सकते हो, इसका शेप क्या हुआ बेटा,
हाइब्रिडाइजेशन से भी निकाल सकते हो, इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और इसका ज्योमेट्री ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम, ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम होंगे, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल, अंडरस्टूड है, ट्राइगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल दोनों के दोनों आपके सेम होंगे, सेम होंगे, इस तरीके से मैंने बता दिया। अब बात को समझते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात, जो आपका PCl5 है वो गैसेस है, गैस में तो ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा बेचारे, गैस में ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन PCl5 अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, ठीक है, और अगर मैं बोलूं PBr5 सॉलिड कैसे एग्जिस्ट करेगा, PBr4 प्लस एंड PBr6 माइनस, बात समझ में आ रही है, आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये जो है ये आपके इन सॉलिड स्टेट, ये आपके कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, आयोनिक फॉर्म। इसके बाद मैं लिखा देता हूं आपको Pi5, अगर आपका सॉलिड हुआ तो ये आपके कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, Pi4 प्लस यहीं पर I माइनस, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यही वाला इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा पॉइंट, ठीक है। अब यहां से क्या समझ में आया, इन सॉलिड फॉर्म दे आर एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म, और आयंस कौन कौन से होंगे वो आपको ध्यान रखना है, आयंस कौन कौन से होंगे वो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपका होमवर्क है, ये जितने भी एलिमेंट लिखे हैं इन सब का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसको थोड़ा कर लो अच्छे से, ये IIT के लिए इंपॉर्टेंट है, JEE पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, JEE पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बस उतने ही पॉइंट ध्यान रखो ना जी, जो जो इंपॉर्टेंट है काफी है। चलो यहां पर इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये आपका फॉस्फोरस का हो गया। अब मैं अगर मैं स्टेबिलिटी देखना चाहूंगा तो स्टेबिलिटी देखने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो आपको सोचो ना, पी 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 कॉमन, एफ छोटा, सीएल उससे बड़ा, बीआर उससे बड़ा, आई उससे बड़ा, जो छोटा एटम है, छोटा एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, इसका मतलब आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी। यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बोलो, आपकी होगी PF5 की स्टेबिलिटी ज्यादा, उसके बाद PCl5 की, उसके बाद PBr5 की, उसके बाद Pi5 की, ठीक है, इस तरीके से आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। आप देखो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, आप देखो यहां पर आर्सेनिक भी बनाता है, वो सब बनाते हैं, उस उतना डिटेल में नहीं जाना, हमको इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर मैं आप बोलना चाहूं कि फॉर्मेशन मेथड, इसके फॉर्मेशन मेथड क्या है, फॉर्मेशन मेथड ऑफ हैलाइड, तो मैं फॉर्मेशन मेथड ऑफ हैलाइड बता देता हूँ, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलाइड, तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलाइड हम समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे और भी ज्यादा, थोड़ा सा होता है ना पॉइंट, वो तो लिखाना जरूरी है। देखो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलाइड, हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चों, सीधी सी बात है, P4 की रिएक्शन Cl2 के साथ लिमिटेड अमाउंट का सप्लाई किया तो क्या बनेगा, PCl3, लेकिन अगर P4 की रिएक्शन Cl2 के साथ एक्सेस अमाउंट में सप्लाई किया तो क्या बनेगा, PCl5, क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान रखो ऐसे, अच्छे बच्चे हो। Bi की रिएक्शन Cl2 के साथ कितने भी अमाउंट में भेजो बनेगा BiCl3, क्योंकि BiCl5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता,
क्लियर है, सारा कंसेप्ट वही है, समझ में आ गया आपका। यहाँ पर सी ए, यहाँ पर अगर मैंने बोला यहाँ पर कि यहाँ पर एक्स कर देता हूँ, इसको एक्स कर दिया, इसको एक्स थ्री कर दिया, तो यहाँ पर एक्स क्या क्या होगा, एक्स आपका होगा सी एल बी आर आई, क्योंकि एफ का बी आई एफ फाइव भी होता है, एफ का बी आई एफ फाइव भी होता है, ठीक है, ये आप लोगों को आ गया होगा। और भी मेथड है, जैसे फोर्थ में बता देता हूँ, एन की रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन, अगर मैंने सी एल टू एक्सिस के साथ करा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एन सी एल थ्री बन जाता है। ये सब आगे आएंगे, ये सारे प्रिपरेशन मेथड में आगे लूंगा और कुछ बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन में आगे लूंगा। दीज आर द सम इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको बताए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले रिएक्शन को कवर करना सीखेंगे, रिएक्शन के मैकेनिज्म, रिएक्शन को थिंक करना, रिएक्शन क्या हो सकती है उसके बारे में सोचना, देन आफ्टर हम आगे की ओर चैप्टर में मूव करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।